बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो तमाम उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने पंजाब पुलिस में रिटर्न टेस्ट दिया था 5 जनवरी 2023 को, उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस ने रिटर्न टेस्ट के रिज़ल्ट का ऐलान कर दिया। ये आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स पीपी रिटर्न टेस्ट हेल्ड ऑन 5/1/2023, ये ननकाना साहब की लिस्ट है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं बाकी भी आपको बताता हूँ कि आप ये लिस्ट किस तरह देख सकते हैं और कौन कितने नंबर वाला पास है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिज़ल्ट जारी हो चुका है, इसमें 40 नंबर हैं जिसके वो पास है, और जिस जो 40 नंबर से जिसके कम नंबर हैं वो फेल कंसीडर होगा। और ये बताता चलूँ कि इंटरव्यू में जो जितना मेरिट बनेगा सीट के लिहाज से, उतनों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है मुझे कि किन किन को बुलाया जा रहा है, लेकिन हाँ मैं ये बताता चलूँ कि जितनी सीट्स के लिहाज से जहाँ तक मेरिट आएगा वो 50 हो सकता है, वो 60 हो सकता है, उस लिहाज से हर डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए मदु किया जाएगा। तो मैं इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि किन किन जो डिस्ट्रिक्ट है उनका रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। ये डिस्ट्रिक्ट अटक है, बक्कर है, हफ्साबाद, साहिवाल, खुशाब, लैया, सियालकोट, मंडी, बहाउद्दीन, टोबा, टेक सिंह और ननकाना साहब, इन डिस्ट्रिक्ट का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। तो आप जॉब हैंडल की वेबसाइट पर जाकर ये रिज़ल्ट अपना अपने डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पंजाब पुलिस का फेज़ 2 का शेड्यूल है वो चेंज हो चुका है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसमें एक और फेज़ ऐड कर दिया गया है, वो एक जो फेज़ है वो किन का ऐड किया गया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप मेरी ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फेज़ 1 का तो जो मेजरमेंट्स वगैरह है वो हो चुकी हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेज़ 2 स्टार्ट होगा। इसमें फेज़ 2 में ऑल विंग्स हैं, आप देख सकते हैं। तो पंजाब पुलिस में जो इनकी हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट है वो 18/1/2023 से लेके 27/1/2023 तक होंगी, और जो इनका रनिंग टेस्ट भी यानी कि इसके साथ ही होगा वो भी 18 से 27 तक कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उनके लिए भी यही जो डेट है वो सेम होगी। उसके बाद इसमें एक और फेज़ 3 भी ऐड कर दिया गया हुआ है। इस फेज़ में वायरलेस ऑपरेटर 19/2 से लेके यानी कि 19 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक इनके जो रिटर्न टेस्ट हैं वो भी होंगे साथ में, और SPU के लिए भी 8/3/2023 से लेके 19/3/2023 तक जो शेड्यूल है वो किया गया है। तो अपने व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी समझी, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या जिनका भी टेस्ट होना है या जिनका हो चुका है, तो ज़रूरी समझी थी इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।